आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही महत्वपूर्ण, जो आप लोगों की रोज़ की जो एक आम समस्या है, जो मेरे सब्सक्राइबर मुझसे बहुत लंबे समय से पूछ रहे थे कि अगर PIO सही समय पर सूचना ना दे या गलत सूचना दे तो क्या उसके विरुद्ध पुलिस में FIR दर्ज की जा सकती है। जी हाँ, आज यही टॉपिक हम लेकर आए हैं। आज इसी विषय पर बात करेंगे, इन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे, चर्चा आज इन्हीं पर होगी। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं कि जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आम आदमी तक ये वीडियोस पहुंच सके, सबकी मदद हो सके इन वीडियोस के जरिए। दूसरा, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग स्किप ना करें, आगे पीछे करके ना देखें, वीडियो को लगातार देखें, जिससे कि आपकी समझ में पूरा मैटर आएगा, अन्यथा पूरा मैटर आपकी समझ में नहीं आएगा, कहीं ना कहीं कुछ छूट जाएगा, जो आपके सवाल रह जाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का जो वीडियो है उसका जो स्पष्ट जो एक संदेश है वो ये है कि PIO जो होता है, PIO यानी कि जन सूचना अधिकारी जो होता है, अगर वो सूचना सही समय पर नहीं देता है, 30 दिन की जो अधिनियम ने समय सीमा तय की, उस 30 दिन की समय सीमा में सूचना आपको नहीं दी या आपको गलत सूचना दी, तो ऐसे में आपके पास क्या अधिकार हैं और क्या जन सूचना अधिकारी के विरुद्ध पुलिस में FIR हो सकती है। अगर हो सकती है तो वो किन सेक्शंस में, किस अधिनियम के तहत उस पर आप FIR करवा सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, किसी भी जन सूचना अधिकारी के द्वारा अगर आपको सूचना समय पर नहीं दी गई, गलत दी गई, जानबूझ करके देरी की गई, तो इसमें आपके जो राइट्स हैं, बहुत सारे राइट्स आपके पैदा होते हैं। और जन सूचना अधिकार जो है केवल जन सूचना तक ही सीमित नहीं है। जन सूचना अधिकार अधिनियम भारत के संविधान से उत्पन्न एक अधिनियम है, जो आपको मौलिक अधिकार भी इसको कह सकते हैं। सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, आपका मूल अधिकार है, सूचना लेना आपका मौलिक अधिकार है, और संविधान का मूल अधिकार जो है उसको गवर्न करता है। तो ऐसे में अगर कोई जन सूचना अधिकारी आपको नहीं देता है सूचना सही समय पर, गलत देता है, तो ये माना जाएगा कि उसकी सद्भावना ऐसी नहीं थी, उसने गलत इंटेंशन रखते हुए आपके साथ ऐसा काम किया है। और जहां उसकी सद्भावना इंटेंशन गलत हो जाती है, वहां पर IPC के सेक्शन 166 में वो दोषी है, IPC के सेक्शन 188 में वो दोषी है, और IPC के सेक्शन 420 420 में वो दोषी है। और उसके विरुद्ध इन IPC के सेक्शंस में और अन्य सेक्शंस में किसी भी पुलिस थाने में जाकर के आप अपनी रिपोर्ट को दर्ज करवा सकते हैं, ये आपका मौलिक अधिकार है। और अगर कोई पुलिस प्रशासन आपकी रिपोर्ट को दर्ज नहीं कर रहा है, तो आपके पास दूसरा अधिकार जो बचता है वो कोर्ट का बचता है। आप लोग कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट में जा करके अपने FIR को आप लोग दर्ज करवा सकते हैं। कोर्ट में धारा 156(3) CRPC के तहत आप लोग जा करके सिविल प्रोसीजर कोड जो है 166(3), उसके अकॉर्डिंग आप अपने FIR कोर्ट को दे सकते हैं, कोर्ट आपके FIR दर्ज कर सकता है। तो आपके पास राइट्स हैं कि आप इनको, इसके विरुद्ध, जन सूचना अधिकारी के विरुद्ध भी आप अपनी FIR को दर्ज करवा सकते हैं। इसमें आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है, ध्यान रखने वाली बात जो है वो ये है कि अगर आपको 30 दिन की जो समय सीमा RTI अधिनियम ने दी, सूचना अधिकार अधिनियम ने आपको दी, अगर उस 30 दिन की समय सीमा में आपको सूचना नहीं मिली है, तो आप सेक्शन 166 166 IPC 188 IPC के तहत जाकर के अपने FIR को दर्ज करवाएंगे। और अगर आपको सूचना जानबूझ करके गलत तरीके से दी गई, इसके लिए आप धारा 420 के तहत जन सूचना अधिकारी पर FIR दर्ज करवा सकते हैं। ये दोनों ही सेक्शंस इसलिए बने हैं कि लोक सेवक के द्वारा किसी पद को धारण किया जाना और लोक सेवक उस पद को धारण करने के बाद अपने जो पद है उसके प्रति जिम्मेदार ना होना और उस पद के का दुरुपयोग करना और उस पद का जो एक निष्ठा है, जो गरिमा है, उसका सदुपयोग ना करना और सद्भावना ना रखते हुए जानबूझकर इंटेंशनल होते हुए किसी चीज़ में इस तरीके से पार्टिसिपेट करना। तो सूचना अधिकार अधिनियम में सजा का या FIR का प्रावधान नहीं दिया गया है, लेकिन ऐसा होता है तो आप भारतीय दंड संहिता IPC के इन सेक्शंस में जा करके उसके विरुद्ध FIR दर्ज करवा सकते हैं।